आप भल्ला पापड़ी खा रहे हो, दही भल्ला खा रहे हो या पकौड़े खा रहे हो। देखिए स्वाद तो केवल चटनी का ही आता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे चटपटी और मीठी दो तरह की चटनी, एक हरी चटनी और एक मीठी चटनी इमली और खजूर की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा कप फ्रेश हरा धनिया लिया है, इसको एक मिक्सर जार में डालते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च, आप हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 चम्मच भुना पिसा जीरा का पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से सादा नमक। यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच बूंदी लिए, अगर आपके पास बूंदी नहीं है तो आप भुजिया सेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा नींबू का रस, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। ये हरी चटनी पिसकर तैयार हो गई है। खजूर और इमली की मीठी चटनी बनाने के लिए आधा कप इमली को हमने पूरी रात भिगो करके रख दिया है। इसी तरह से हमने 8 से 10 खजूर को भी पूरी रात भिगो कर रखा है। खजूर अच्छी तरह से फूल गया है, इसके अंदर जो गुठली या बीज है इसको हम पहले रिमूव कर देंगे। 1 बड़े कांच के बोल में भीगी हुई इमली को पहले ट्रांसफर कर लेंगे और हाथ से अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे। इसमें इमली में कोई भी रेशा हो या बीज हो उसको पहले अच्छी तरह से पहले निकाल लेते हैं। इसमें हम करीब करीब 1.5 कप पानी डालेंगे इमली के पल्प में और एक चलनी लगाकर हम इसको पहले छान लेंगे, जिसमें इसमें जो भी और रेशा या बीज रह गया वो छानने से निकल जाएगा। ये इमली का रस जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से जो हमने खजूर भिगोए हैं उसको भी हम थोड़ा पानी डालकर इसका एक फाइन पल्प बनाकर तैयार कर लेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे। इसको इमली के पल्प के साथ मिक्स कर लेते हैं। पहले पैन को गैस के ऊपर कुक होने के लिए चढ़ा देते हैं। जब इसमें 1 उबाल आ जाएगा तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी गुड़ का पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो साबुत गुड़ को भी काट कर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पहले हम 3 से 4 मिनट कुक कर लेते हैं। जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम इसका मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1 पैन में 2 चम्मच मोटी सौंफ हम डालेंगे, 2 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मीठी चटनी में सौंफ का फ्लेवर काफी अच्छा आता है। इसको केवल हल्का ड्राई रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गया, इसको ठंडा करके एक खरल में डालेंगे और इसका एक हम दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। मसाला अच्छी तरह से दरदरा कुटकर तैयार हो गया है। मीठी चटनी को भी कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चटनी अब थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर हम चलिए थोड़े से इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच हमने काला नमक ऐड किया है, भुना पिसा जीरा 1 चम्मच, 2 चम्मच जो हमने मसाला पीसा है वो इसमें ऐड करेंगे। इसी मसाले से चटनी का फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। सौंफ का फ्लेवर वैसे भी चटनी में काफी अच्छा लगता है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के हिसाब से नमक, यहाँ पर हमने करीब करीब 1 चम्मच नमक ऐड किया है और 1/2 चम्मच सौंठ का पाउडर ऐड किया है। सारे मसालों को चटनी में एक बार मिलाकर इसको 2 से 3 मिनट और कुक कर लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। चटनी ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो सबके साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप इस चटनी को 1 से 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक।